हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में एक मॉइस्चराइज़र का रिव्यू करने वाली हूँ। उसको मैं यूज़ करके देख चुकी हूँ, कैसा है, क्या है, ये सारी बातें आज के वीडियो में करूँगी। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने प्री सैम्पल प्रोडक्ट्स मंगाए थे, तो ये भी मंगवाया था ममाअर्थ का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। तो इसको ही यूज़ करके देखा, इसके कैसे रिजल्ट्स मिले, ये सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। ये जो मॉइस्चराइज़र है स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। ये एप्पल साइडर विनेगर से मिलकर बना हुआ है और एप्पल साइडर विनेगर एक्ने प्रोन स्किन के पर बहुत अच्छे से काम करता है, एक्ने को ट्रीट करता है और ममाअर्थ का प्रोडक्ट है, इसलिए पैराबेन सल्फेट एसएलएस फ्री है, नॉन कॉमेडोजेनिक है। और जब भी कोई मॉइस्चराइज़र नॉन कॉमेडोजेनिक होता है तो आप उसको एक्ने प्रोन स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तो ये सारी बात है। तो ये जो मॉइस्चराइज़र है क्लेम करता है, इसको मैं यूज़ करके भी देख चुकी हूँ, तो आगे आपको बताऊँगी कि कैसा इसके कैसे रिजल्ट्स मिले। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो देखो, इसमें इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो एप्पल साइडर विनेगर है, पर इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए गए हैं, उसकी लिस्ट मैं दे दूँगी। अगर आप ये सारे केमिकल्स को गूगल करके देखेंगे तो सारे सेफ हैं, पर क्वांटिटी नहीं दी हुई है तो पता नहीं चलता यार सेफ़ है, कितना क्वांटिटी यूज़ किया गया है, तो ये सारी चीज़ें तो पता ही नहीं चलती हैं आजकल प्रोडक्ट्स में। तो इसमें भर भर के केमिकल्स यूज़ किए गए हैं और कुछ नेचुरल चीज़ें भी यूज़ की गई हैं। और ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, ऑयली नहीं है, एक्ने पिंपल का जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करता है और हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। और इसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इजीली ऑनलाइन अमेज़न से, ममाअर्थ की वेबसाइट से, नायका, पर्पल, कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। फ्री सैंपल चाहते हैं तो स्मिटन ऐप से आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसका फ्री सैंपल भी मंगवा सकते हैं। सैंपल प्रोडक्ट है ये, 99 रुपीस का आता है और इसका जो एक्चुअल साइज़ है वो 100 ml है, जो कि 299 समथिंग का आता है। और इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ये कुछ ऐसा है, क्रीम है, जेल फॉर्म में नहीं है, ये ऐसी क्रीम है। और फ्रेग्रेंस है, माइल्ड सा फ्रेग्रेंस है जो कि ठीक है, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी फ्रेग्रेंस से। और कंसिस्टेंसी ऐसी है कि आप इसको अच्छे से अपने फेस पे मसाज करके लगा सकते हो। तो ये जो मॉइस्चराइज़र है इसको मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। अब मैं अगर कहूँ कि मैं इसको 7 days, 15 days यूज़ किया, मैंने 1 month यूज़ किया, तो ये गलत होगा। मैं ज़्यादातर वीडियोस ऐसे बनाती हूँ जिसमें मैं 7 days यूज़ करके देखती हूँ, 10 days, 15 days यूज़ करके देखती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसका भी मैंने यही सोचा था कि इसको मैं कम से कम 7 days यूज़ करूँगी, फिर इसका रिव्यू दूँगी, पर मैं इतने दिन इसको यूज़ नहीं कर पाई। मैं जब इसको लगाती हूँ तो मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, लगाया बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई, थोड़ी देर बाद इतना ज़्यादा ऑयली हो गया फेस, तो मैंने इसको वॉश कर दिया 2-3 घंटे में ही। फिर सोचा चलो दूसरे दिन भी लगा के देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसा काम कर रहा हो, चलो दूसरे दिन भी देखते हैं। तो सेकेंड डे जब मैंने इसको लगाया तो सेम वही कम क्वांटिटी भी आप लोगे तभी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी और स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। फिर मैं इसको लगा के बाहर गई तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई, मतलब बार बार मुझे टिश्यू पेपर से फेस को पोंछना पड़ा, बहुत ज़्यादा ऑयली बना देता है। और कोई भी क्रीम वगैरह जो भी आपकी फेस को बहुत ज़्यादा ऑयली बना रही है, आपको लगाते ही स्वेटिंग हो रही है, आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, तो आप समझ जाओ कि ये आपको सूट नहीं कर रहा है और कुछ ही दिनों में आपका फेस पिंपल से भर जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि आप वहीं रुक जाओ, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करो। तो मैंने इसको 2-3 दिन यूज़ किया, इसके बाद यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि ये सूट नहीं करता है। सबसे बड़ी चीज़ तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो क्रीमी कंसिस्टेंसी है, और अगर जेल हो तो ज़्यादा ऑयली स्किन पे काम करती है। और ये क्रीमी टेक्सचर है इसका और लगाने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा ऑयली बनाएगी। तो ऑयली स्किन के लिए तो बिल्कुल भी मैं कहूँगी कि ना ही यूज़ करो, और ये स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। तो एक्ने प्रोन स्किन पे अगर आप लगाते हो बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग होती है, ऑयली बनाएगा, तो आपके पिंपल्स वगैरह और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हो सकता है कॉम्बिनेशन स्किन है या ड्राई स्किन है, उस पर ये आप लगाएंगे
तो ये काम कर जाए, एज अ मॉइस्चराइज़र काम कर जाए, पर मुझे नहीं लगता है कि आपके पिंपल विम्पल किसी चीज़ को दूर करेगा या कुछ भी काम करेगा। मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं, ना मैं इसको आगे यूज़ करने वाली हूँ। और आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये सैम्पल प्रोडक्ट मंगवा के आप एक बार ट्राई कर सकते हो। पर एप्पल साइडर विनेगर है इस मॉइस्चराइज़र में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पिंपल को ठीक करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। बस ये हो सकता है मॉइस्चराइज़र के जैसे आपके स्किन पर काम कर जाए, अच्छे से मॉइस्चराइज करे, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करेगा। इसीलिए कहती हूँ कि एक्ने प्रोन स्किन पे ऑयली स्किन के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ढूंढना बड़ा ही मुश्किल होता है। मतलब मैं बहुत सारे 15-20 मॉइस्चराइज़र ट्राई कर चुकी हूँ, पर उनमें से एक या दो होंगे जिसको मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मॉइस्चराइज़र के साथ यही प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग भी सोच समझ के, एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो उसके लिए मॉइस्चराइज़र चूज़ करें। और आई होप आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्द से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।